हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आइए सीखते हैं आज एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होते क्या हैं, इसके बारे में जान लेते हैं। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का मतलब होता है विस्मयाद बोधक वाक्य, यानी ऐसा क्या होता है, नोट में देखें, ऐसे वाक्यों में जॉय यानी प्रसन्नता, शोक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, सॉरो या ग्रीफ, या आश्चर्य सरप्राइज का बोध होता है। जो हमारे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होंगे उसमें आश्चर्य का बोध होगा यानी सरप्राइज, और दुख का बोध होगा यानी कि सौरो, और आपके सेंटेंस में जॉय का बोध होगा, जॉय मतलब प्रसन्नता। आदि सेंटेंस इसमें आते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। तो आइए देखते हैं बनाए कैसे जाते हैं, इसको इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करते हैं, तो रूल देखते हैं। यदि आर एस मतलब रिपोर्टेड स्पीच, अलास से स्टार्ट हो, अलास ये दुख का प्रतीक होता है, दुख होता है इसका मतलब शोक। यदि आरएस अलास से स्टार्ट हो तो सेड या सेटू को हटाकर एक्सक्लेम विद सॉरो या एक्सक्लेम विद ग्रीफ लिखते हैं, यानी कि सेड या सेटू को हटा देते हैं, वहां पर एक्सक्लेम्ड विद सॉरो या एक्सक्लेम्ड विद ग्रीफ लिखते हैं, और कॉमा इनवर्टेड कॉमा को हटाकर दैट लिखते हैं। बहुत ही सिंपल तरीका है, जैसे डायरेक्ट है हमारा ही सेड अलास आई एम रूइंड, तो इसका हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे देखिए, सबसे पहले हमको सब्जेक्ट लिखना है, लिख दिया सब्जेक्ट ही, और सेड जो आया है इसको हटा देंगे और क्या लिखेंगे, एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, या फिर आप क्या लिख सकते हैं, एक्सक्लेम्ड विद ग्रीव, दो में से कोई एक लिख सकते हो। तो हमने लिख लिया एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, एक्सक्लेम विद सॉरो, उसके बाद में क्या करें, कॉमा इनवर्टेड कॉमा और अलास, ये चीजें हट जाएंगी, कॉमा इनवर्टेड कॉमा हट जाएगा और अलास भी हट जाएगा, इसको हटाकर क्या लिखेंगे, दैट, कॉमा इनवर्टेड कॉमा हट गया और अलास भी हट गया, इसको हटा के दैट लिख दिया। अब आगे क्या है, आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, इसको रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से बदलते हैं, आई को ही से बदले तो क्या मिल गया, ही आई एम है, इसको पास्ट में ले जाओ वाज हो जाएगा, और रियूंड ये रियूंड लिख दिया, तो हमारा इंडेक्स बन गया ही एक्सक्लेम्ड विद सॉरो दैट ही वाज रियूंड। बहुत ही आसानी से आपने बना लिया इसको इनडायरेक्ट में। तो आइए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल आपका है डायरेक्ट में, सी सेड अलास आई डिड नॉट विन द गेम, तो देखिए इसमें भी अलास आ गया है, यानी कि सेड या सेटू को हटाकर एक्सक्लेम विद सॉरो या एक्सक्लेम विद ग्रीफ लिखेंगे, तो देखिए बनाते हैं, सी लिख दिया और सेड को हटा दें, लिख दें एक्सक्लेम्ड विद ग्रीफ, आप चाहे सॉरो लिखें या फिर ग्रीफ लिखें, उसके बाद कॉमा इनवर्टेड कॉमा, कॉमा इन कॉमा और अलास, ये इतनी चीज हट जाएगी और आ जाएगा दैट। उसके बाद क्या है, आई है, आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, इसको रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से बदलो जाके तो सी मिल जाएगा, क्योंकि ये भी सब्जेक्ट है तो हमको सब्जेक्ट ही मिलेगा, सी हो गया। और डिड नॉट है, डिड नॉट को किस में बदलते हैं, हैड नॉट, हैड नॉट। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म विन है, इसकी थर्ड फॉर्म वॉन द गेम, द गेम, ये बन गया इनडायरेक्ट। प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में बदला जाता है, She exclaimed with grief that she had not won the game. ये हमारा इंडर बन गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। जैसे हमारा सेंटेंस लिखा है, मोहन सेड अलास आई डिड नॉट गेट गुड मार्क्स, तो ये कैसे बने, सबसे पहले क्या लिखना है आपको, मोहन लिख दीजिए, मोहन लिखने के बाद में सेड को हटा दें और लिख दें exclaimed, जैसे यहाँ पर आपने लिखा है, इतना आपको नोट करना है, exclaimed with, आप चाहे सॉरो लिखें या ग्रीफ लिखें, लिख दिया। उसके बाद में क्या करना है, कॉमा इनवर्टेड कॉमा और अलास, ये इतनी चीज हट जाएगी, यहां पर आ जाएगा दैट, वेरी सिंपल, लिख दिया दैट। और ये प्रोनाउन है आपका आई, इसको बदल दीजिए किससे, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से, मोहन से बदलेंगे क्या मिलेगा, ही, सब्जेक्टिव केस ही मिल जाएगा, क्योंकि ये पुरुष लिंग में है ना मोहन, इसलिए ही मिलेगा। डिड नॉट को इसमें देखिए डिड नॉट था, हमने क्या लिखा, हैड नॉट, इसमें डिड नॉट है तो हम क्या लिखेंगे, हैड नॉट। और वर्ब की थर्ड फॉर्म गेट की थर्ड फॉर्म गॉट, गुड लिख दें
और मार्क्स। ये डायरेक्ट बन गया, मोहन एक्सक्लेम्ड विद सारो दैट ही हैड नॉट गॉट गुड मार्क्स। नेक्स्ट एग्जांपल है इसका, द बॉय सेड अलास आई एम अंडन। तो इसका इनडायरेक्ट देखिए कैसे बनेगा। सबसे पहले लिखेंगे द बॉय और सेड को हटा दें, हटा कर क्या लिखना है, एक्सक्लेम्ड विद सारो, एक्सक्लेम्ड विद सारो, हमने लिख दिया एक्सक्लेम विद सारो। उसके बाद कॉमा एंड कॉमा और अलास को हटाकर क्या लिखना है, दैट लिखना है। फिर आई है, आई किससे बदले, रिपोर्टिंग के सब्जेक्ट से, बॉय से बदले तो क्या मिलेगा, ही। और आई एम है, इस पास्ट में ले जाओ तो हो जाएगा वाज, अंडन लिख दीजिए, अरे बन गया द बॉय एक्सक्लेम विद सारो दैट ही वाज अंडन। आइए देखते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट रूल क्या है आपका, बताता है रूल की यदि आर एस हुर्रा से स्टार्ट हो तो सेड या सेड टू को हटा कर एक्सक्लेम्ड विद जॉय या एक्सक्लेम्ड विद डिलाइट का प्रयोग करते हैं। आपको याद रखना है कि यदि आपके रिपोर्टेड स्पीच में हुर्रा ये शब्द आ जाए तो आपको क्या करना है, सेड या सेड टू को हटा कर एक्सक्लेम्ड विद जॉय या एक्सक्लेम्ड विद डिलाइट का प्रयोग करना है, और कॉमा इनवर्टेड कॉमा तथा हुर्रा को हटाकर आपको क्या लिखना है, दैट का प्रयोग करना है। जैसे एग्जांपल है आपका डायरेक्ट का, ही सेड हुर्रा माय ओल्ड फ्रेंड हैज कम। अब इसका आपको इनडायरेक्ट बनाना है, कैसे बनाएंगे, आपको क्या करना है, सब्जेक्ट लिखना, उसके बाद में सेड जो आया है इसको हटा देना है और यहाँ पर एक्सक्लेम्ड विद जॉय का प्रयोग करना है। अगर ये नहीं लिखते हैं आप तो आपको लिखना होगा एक्सक्लेम्ड विद डिलाइट, इसका प्रयोग करना है। तो इसमें से एक कोई लिख लिए आप, एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्ड विद मान लिया जॉय लिख लिया। अब क्या करें, ये तो हट गया सेड और कॉमा इनवर्टेड कॉमा हुर्रा, ये इतनी चीज हट जाएगी, कॉमा इनवर्टेड कॉमा और हुर्रा इसको हम हटा देंगे और यहाँ पर लगाएंगे कंजंक्शन दैट, दैट लगा दिया। अब क्या करें, आगे आगे लिखा है माई, तो माई को हम, माई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है तो इसको रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से बदलते हैं, ही से बदले तो क्या मिल जाएगा, हिज, ही से हिज मिल जाएगा, क्योंकि ये पॉजेसिव केस है तो पॉजेसिव केस ही आपको मिलेगा, हिज मिला इससे। ओल्ड है तो ओल्ड लिख लिया, फ्रेंड फ्रेंड लिख लिया, हैज है इसको पास्ट में ले जाओ, हैंड हो जाया कम का कम ही। अब ये हमारा इनडायरेक्ट बन गया, ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट हिज ओल्ड फ्रेंड हैड कम। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, लिखा है द बॉयज सेड हुर्रा वी हैव वॉन द मैच। तो इसका इनडायरेक्ट कैसे बनेगा, सबसे पहले लिख लें सब्जेक्ट द बॉयज, द बॉयज लिखने के बाद में सेड आया, इसको हटा दें, चाहे तो एक्सक्लेम विद जॉय लिख लें या एक्सक्लेम विद डिलाइट लिख लें, इसमें से एक आप लिख सकते हैं, एक्सक्लेम्ड विद डिलाइट लिख लिया, मान लिया एक्सक्लेम विद डिलाइट लिख लिया। और फिर क्या करें, कॉमा इनवर्टेड कॉमा और हुर्रा को हटा दें, यहां पर लगा लें दैट, दैट लिखने के बाद वी है, विद्यार्थियों वी जो होता है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन होता है, आई वी फर्स्ट पर्सन के होते हैं, इसको रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से बदलते हैं। सब्जेक्ट में क्या है, द बॉयज लड़के, ये तो ज्यादा है, अगर जो बॉय होता तो ही लिख देते, ये ज्यादा है तो ही नहीं लिखेंगे बल्कि लिखेंगे दे, दे लिखेंगे, बहुवचन, क्योंकि ये बहुवचन है तो हमको बहुवचन ही इधर से मिलेगा, दे हो गया, हैव है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट में ले जाओ तो हो जाएगा हैड, वन का वन ही रहेगा, द और मैच, और ये हमारा इनडायरेक्ट बन गया, द बॉयज एक्सक्लेम्ड विद डिलाइट दैट दे हैड वन द मैच। आपने क्या देखा कि सेड या सेड टू को हटाकर एक्सक्लेम्ड विद डिलाइट या एक्सक्लेम्ड विद जॉय का प्रयोग करेंगे, कॉमन कॉमा तथा हुर्रा को हटाकर कंजंक्शन दैट का प्रयोग करेंगे, बहुत ही आसानी से इसको इनडायरेक्ट में चेंज कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल है सी सेड हुर्रा माय ब्रदर रिटर्न फ्रॉम दिल्ली। तो इसका इनडायरेक्ट कैसे बनेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखें, सी सेड को हटा दें और लिख लें एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्ड विद जॉय,
आप चाहे तो जॉय के स्थान पे लिख सकते हैं डिलाइट, उसके बाद कॉमन एंड कॉमा और हुर्रा को हटा कर क्या लिखेंगे, दैट। दैट हमारा कंजक्शन है, कनेक्टिव वर्ड है। उसके बाद में क्या करें, देखिए माई लिखा है, माई ब्रदर, ये माई जो है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, तो इसको रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से बदलेंगे यहाँ से, तो हमको मिल जाएगा हर, सी नहीं मिलेगा, हर मिलेगा, क्योंकि ये पॉजेसिव केस है, पॉजेसिव केस से पॉजेसिव केस ही मिलता है, हर हो गया, नोट कर लें ब्रदर, हर ब्रदर। उसके बाद में अब ये देखिए कौन सा टेंस है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो इसको पास्ट परफेक्ट में ले जाए तो हो जाएगा हैड, हैड रिटर्न्ड, हैड रिटर्न्ड, और फ्रॉम, फ्रॉम लिख लें, उसके बाद में दिल्ली, तो ये बन गया शी एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट हर ब्रदर हैड रिटर्न्ड फ्रॉम दिल्ली। नेक्स्ट एग्जांपल है द प्लेयर्स सेड हुर्रा वी स्कोर्ड 100 रन्स, तो ये भी उसी प्रकार बनेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट लिख लें, सब्जेक्ट है द प्लेयर्स, ये हमने सब्जेक्ट लिख लिया, सेट को हटा दें और एक्सक्लेम्ड विद जॉय, एक्सक्लेम्ड विद डिलाइट लिख लें, एक्सक्लेम्ड विद डिलाइट चाहे आप लिख लें डिलाइट, कॉमन कॉमा हुर्रा को हटाकर क्या लिखेंगे, दैट लिखेंगे। उसके बाद में वी जो है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, इसको रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से बदलें तो मिल जाएगा आपको दे, वी बहुवचन है, बहुवचन प्लेयर्स है, तो यहाँ से आपको दे मिल जाएगा, और ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, इसको पास्ट परफेक्ट में ले जाइए तो हो जाएगा हैड, हेल्पिंग वर्ब हैड, और उसके बाद स्कोर्ड लिख लीजिए, स्कोर्ड 100 रन्स, ये हमारा इनडायरेक्ट बन गया, द प्लेयर एक्सक्लेम्ड विद डिलाइट दैट दे हैड स्कोर्ड 100 रन्स। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, लिखा है कमल सेड, तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिख लें कमल सेड, सेड को हटाकर हमको लिखना है एक्सक्लेम्ड विद, आप जॉय लिख लें या फिर डिलाइट लिख लें, कॉमन कॉमा को हटाकर क्या करना है दैट लिखना है, हुर्रा भी हट गया, कॉमन कॉमा भी हट गया, आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है तो सब्जेक्ट से बदले, सब्जेक्ट लिखा है कमल तो यहाँ से मिल जाएगा ही मिल जाएगा, और उसके बाद में ये देखिए कौन सा टेंस है, टेंस के अनुसार बदलते हैं, आई गॉट अ चांस ये पास्ट डेफिनिट टेंस है तो उसको पास्ट परफेक्ट में ले जाइए तो हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब हैड, और फिर गॉट अ चांस, तो ये हमारा इंडेक्स बन गया, कमल एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट ही हैड गॉट अ चांस। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट रूल क्या है, रूल नंबर 3, यदि आर एस ब्राओ से स्टार्ट हो, ब्राओ से शुरू हो तो सेड या सेट टू को हटाकर अपलाउडेड लिखते हैं या फिर आप प्रेज्ड लिख देते हैं, सेड या सेट टू को हटा देना और प्रेज्ड या अपलाउडेड में से कोई एक लिख लेना, अगर रिपोर्टेड स्पीच आपकी शुरू होती है ब्राओ से तो, और क्या करना है कॉमा इमिटेड कॉमा को हटाकर तथा ब्राओ को हटाकर वहां पर कनेक्टिव वर्ड दैट का प्रयोग करते हैं, जैसे एग्जांपल देखते हैं ही सेड टू अस ब्राओ यू हैव डन वेल, ये हमारा डायरेक्ट है, इसको इंडेक्ट में कैसे बनाए तो हम सब्जेक्ट लिख लेते हैं, उसके बाद में सेड टू को हटा देते हैं और यहाँ पर या तो फिर अपलाउडेड लिख लें आप, या फिर अपलाउडेड ना लिखें तो क्या लिख सकते हैं प्रेज लिख सकते हैं और उसके बाद अस, तो ही वी अपलाउडेड अस हो गया। उसके बाद क्या करना है कॉमन कॉमा और ब्राओ को हटा दें, कनेक्टिव वर्ड दैट लगा लें, और उसके बाद क्या यू है, यू हमारा सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से बदलते हैं, अस से बदले तो क्या मिल जाएगा वी मिल जाएगा, वी हो गया, हैव है पास्ट में ले जाओ हैव का हेड हो गया, डन भी लिख लीजिए और वेल भी लिख लीजिए, ये हमारा इंडेक्स बन गया ही अपलाउडेड अस दैट वी हैव डन वेल। नेक्स्ट एग्जांपल है मोहन सेड टू मी ब्राओ यू हैव वन, तो इसका इंडेक्स कैसे बने, सबसे पहले लिख लीजिए सब्जेक्ट मोहन, उसके बाद में सेड टू को हटा दें और यहाँ पे प्रेज्ड या आप अपलाउडेड में से कोई एक लिख सकते हैं, हमने प्रेज्ड लिख दिया और फिर मी लिख दिया, कॉमन कॉमा ब्राओ को हटा दें और यहाँ पर लिख लें कंजक्शन दैट, और फिर यू है, यू हमारा सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से बदलें तो ऑब्जेक्ट क्या है मी, मी से बदलेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा आई, आई हो गया, उसके बाद हैव है तो पास्ट में ले जाओ हैड हो गया और वन, ये हमारा इंडायरेक्ट बन गया,
क्या बना? मोहन प्रेज्ड मी दैट आई हैड वन. ये हमारा इनडायरेक्ट बहुत आसानी से बन गया. देखते हैं नेक्स्ट रूल क्या है. नेक्स्ट रूल नंबर 4 क्या है. यदि आर एस व्हाट या हाउ से प्रारंभ हो तो सेड या सेड टू को हटाकर आर एस के भाव के अनुसार एक्सक्लेम्ड या एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज लिखते हैं. ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंस है, जो भाव है, वो जैसा बताएगा वैसे ही काम करना है आपको. सेड को हटाकर, सेड को हटाकर या तो आप लिखेंगे एक्सक्लेम्ड या फिर आप क्या लिखेंगे, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज. अगर सरप्राइज हो रहा हो तो, अगर नहीं है ऐसा कुछ तो एक्सक्लेम्ड ही केवल लिखेंगे. और कॉमा इमीडिएट कॉमा को हटाकर कंजंक्शन दैट का प्रयोग करेंगे. तथा और इसमें क्या है, व्हाट और हाउ, ये दो वर्ड है. अगर जो आते हैं आपके सेंटेंस में, व्हाट आएगा तो वो भी हट जाएगा और हाउ आएगा वो भी हट जाएगा. लेकिन क्या होता है कि इनको हटाकर हम वेरी या ग्रेट का प्रयोग करते हैं. कहाँ पर प्रयोग करते हैं ये आपको देखना है ध्यान से. तो देखिए सबसे पहले सेंटेंस हमारा है, राम सेड टू मी हाउ फास्ट यू आर वॉकिंग. तो हम इनडायरेक्ट इसका बनाने जा रहे हैं. सबसे पहले सब्जेक्ट लिखें, राम सेड टू को आपको हटा देना है. देखिए इसमें क्या है, हाउ फास्ट यू आर वॉकिंग, आप कितनी तेज चल रहे हैं. इसमें कोई सेंस जो है सरप्राइज की बात नहीं है, इसलिए हम एक्सक्लेम विद सरप्राइज नहीं लगाएंगे, बल्कि हम केवल एक्सक्लेम ही लगा देंगे. एक्सक्लेम्ड मी, ठीक है, सेड टू हट गया और आ गया एक्सक्लेम्ड, ये हमने लिख लिया. कॉमन कॉमा को हटाकर दैट लिख लिया. अब यहाँ पर हाउ को हटाकर वेरी या ग्रेट का प्रयोग नहीं करना है, ये याद रखना है. क्योंकि क्या है, दैट लिखने के बाद में हमको एक चीज याद रखनी है कि नाउन या प्रोनाउन लिखते हैं. तो यहाँ पर हमारा प्रोनाउन है यू, यू को हम बदल दें रिपोर्टेड रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से. मी से बदलेंगे तो हमको मिल जाएगा आई. आई आई के बाद में हमको हेल्पिंग वर्ब लिखनी है. यहाँ पे देखिए आर है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, वाज, पास्ट में ले जाओ आई वाज. उसके बाद में क्या क्या बचा हमारे पास, फास्ट बचा है और वॉकिंग बचा है, हाउ ये तो बदल देंगे. अब यहाँ पर हमको लिखना है वॉकिंग, वॉकिंग. अब वेरी का प्रयोग कर दो, वेरी फास्ट, ये बन गया आई वॉज वॉकिंग वेरी फास्ट. इस प्रकार से बनाते हैं. नेक्स्ट एग्जाम्पल है ही सेड कॉमन कॉमा व्हाट अ फूल आई एम. देखिए कैसे, अब व्हाट अ फूल आई एम के मतलब कितना मूर्ख हूँ. इसमें जो है सरप्राइज नहीं हो रहा है तो आप केवल एक्सक्लेम्ड ही लिखेंगे. सब्जेक्ट लिखने के बाद सेड हटा दें और केवल क्या लिख दें, एक्सक्लेम्ड. एक्सक्लेम्ड लिखने के बाद कॉमन कॉमा को हटा के दैट का प्रयोग करना है. दैट लिखने के बाद नाउन या प्रोनाउन, देखिए प्रोनाउन आपका आई है, आई को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से बदलें तो क्या मिल जाएगा, ही मिल जाएगा, ही. उसके बाद में वॉज कर दें हेल्पिंग वर्ब, एम है, वॉज हो जाएगा, ही वॉज. आ का प्रयोग करें. अब यहाँ पे व्हाट हट जाएगा यहाँ से, यहाँ पे आ जाएगा ग्रेट. वेरी या ग्रेट का प्रयोग करते हैं और फिर फूल, फुल स्टॉप ही बन गया. देखिए फूल के साथ में ग्रेट आता है. ही एक्सक्लेम्ड दैट ही वॉज अ ग्रेट फूल, ये बन गया. तो आइए देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल. जैसे लिखा है दे सेड व्हाट अ नाइस फ्लावर इट इज. अब यहाँ क्या करते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट लिख लेते हैं. दे सेड को हटाकर हम एक्सक्लेम्ड लिखे दे रहे हैं, एक्सक्लेम्ड. उसके बाद कॉमन कॉमा को हटाकर दैट लिख लिया. उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है, नाउन या प्रोनाउन लिखना है. यहाँ पर इट है प्रोनाउन तो हम इट को लिख लेंगे, इट. और हेल्पिंग वर्ब वॉज, इट वॉज. अब क्या करें, आ. अब व्हाट को हटाएं, यहाँ पर लिख दें वेरी नाइस और फ्लावर, ये बन गया. दे एक्सक्लेम्ड दैट इट वाज अ वेरी नाइस फ्लावर. नेक्स्ट एग्जांपल, वी सेड व्हाट अ प्लेजेंट साइट इट इज. तो क्या बन जाएगा, वी सेड को हटा दें, एक्सक्लेम्ड लगा दें, एक्सक्लेम्ड कॉमन कॉमा हटा के दैट. अब नाउन या प्रोनाउन, यहाँ पर भी हमारा इट है तो इट लिख लें, इट. फिर हेल्पिंग वर्ब वाज, आ. देखिए आ, अब यहाँ पे आगे के बाद वेरी लिख लें, वेरी प्लीजेंट, वेरी प्लीजेंट साइट, साइट लिख लिया. अभी हमारा इंडायरेक्ट बन गया, वी एक्सक्लेम्ड दैट इट वाज अ वेरी प्लीजेंट साइट. नेक्स्ट एग्जांपल, द टीचर सेड व्हाट अ नॉटी बॉय यू आर. तो देखते हैं कैसे बनेगा. सबसे पहले लिख लें सब्जेक्ट, द टीचर सेट को हटाकर एक्सक्लेम्ड लिख लें, एक्सक्लेम्ड.
और कॉमन कॉमा हटा के दैट, दैट लिखने के बाद में आपको लिखना है नाउन या प्रोनाउन। यहाँ पे क्या प्रोनाउन, यू, तो यू को बदल लें। यहाँ कोई सब्जेक्ट नहीं है, रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टिंग मान ले आई, उसके बाद वॉज, उसके बाद आ, वेरी, आई वॉज अ वेरी नॉटी बॉय लिख लें, नॉटी बॉय। तो ये बन गया द टीचर स्लैम्ड दैट आई वॉज अ वेरी नॉटी बॉय। इस प्रकार से आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट समाप्त हो गया एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के। आई होप आपको समझ में आया होगा।